जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसा। दिव्य ध्वनि कर्तारं श्री सर्वज्ञ देव नमो नमः। स्वपर वेद विज्ञानार्थे अध्यात्म सूत्रं विरचितम्। हम देख रहे हैं द्रवगुण पर्याय का स्ट्रक्चर। द्रवगुण पर्याय का स्ट्रक्चर जाने बिना धर्म प्रकट नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है, स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है कि जिसके बाद एक गारंटी है कि निर्विकल्प होगे ही, सुखी होगे ही, निराकुलित आकुलता रहित हो गए ही गारंटी। ऐसी ऐसी गारंटी काय के बल पर दे रहे हैं? अब ये तो अपन कह सकते हैं आत्मा आनंद में परि दरिया है, ये छे पूर है, ये कहना सरल है, लेकिन वो समझ में स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता तो आपको क्या आनंद आता है बता। बहुत दिनों से सुन रहे हैं आत्मा आनंद नो दरिया है, भाई प्रूव होना चाहिए ना। शक्कर में तो समझ में आता है कि शक्कर जिब्बा पर रखेंगे तो मिठास आएगी, आत्मा में से आनंद आएगा ये कैसे समझ में आए? पकड़ना है, मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इतना तो है कि पक्ष है हमें गुरुदेव का, तत्व ज्ञान का, आचार्य कुंकुम स्वामी का, ये पक्ष है। लेकिन टेक्निकल समझ में आ जाए तो निर्विकल्प ही हो जाए। इतने दिन के प्रवचन की जो चर्चा हुई है वो उधर से आप ध्यान देंगे तो निर्विकल्प हो जाओगे आप। फिर भी कोशिश करते हैं, थोड़ी सी और कोशिश कर लेते हैं। रात को जो विषय चलाया था उससे आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ कि नाइट की जो पब्लिक है फिर उसको बेचारे, मुझे मालूम है कल बहुत मुंजवण तो रात वालों को भी थोड़ी बात करेंगे अपन, अभी तो आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो तत्समय की योग्यता अप्रभावी भाव भावक, इतनी बात आई ना, भाव भावक अप्रभावी, दो ही बात चली। अपन एक नया शब्द लेते हैं असहाय। स्ट्रक्चर की एक विशेषता है, स्ट्रक्चर मतलब द्रव गुण पर्याय, इसकी एक विशेषता है कि ये असहाय है। क्या है ये? असहाय है। क्या बोल रहे है? है तो सुनो, ध्यान से सुनो, उनसे क्यों पूछ रहे, उनसे क्यों पूछ रहे है? अरे तो कैसे हो गया, तुमसे अपेक्षाएं नहीं भैया, शांति से हम एकाग्र होने। देखो अभी अभी हलचल है ना, मैं इसलिए
सोच रहा हूँ कि मेरी प्रवाह में आ गया तो फिर सबको तकलीफ आएगी, इसलिए 5 मिनट एक काम करो, एक भक्ति करो। मैं ज्ञानानंद स्वामी बोलो ध्यान से सुनना है। देखो गहरी बात तो गहराई से आएगी, इस तो सुनना होता तो कुछ भाषणबाजी होना अलग बात है। वस्तु तो कैसी है कि असहाय है। अब देखो इतना सा भी शब्द समझ लोगे तो लोग मोक्ष जाने की गारंटी है, गारंटी कह रहा हूँ, गारंटी है। असहाय का मतलब जिसे सहायता की जरूरत नहीं, असहाय मतलब इंडिपेंडेंट, हेल्पलेस नहीं। अभी यदि अपन असहाय का ट्रांसलेशन हेल्पलेस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। असहाय का ट्रांसलेशन हेल्पलेस नहीं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। अब अभी इतनी बात समझ में आएगा, असहाय तो समझ, सहायता की वजह से जरूरत नहीं है। या जो प्रत्यय है इसमें, या प्रत्यय ना, या प्रत्यय का अर्थ होता है योग्य, या का प्रत्यय समझाता हूँ थोड़ा। या प्रत्यय माने योग्य, खाद्य माने खाने योग्य, खाद या खाद्य, खाद्य माने खाने है। और पाठ्य माने पढ़ने योग्य, और सहाय माने सहाय योग्य, सहायता के योग्य, और असहाय माने सहायता के योग्य नहीं। ओहो, वस्तु सहायता के योग्य नहीं है, द्रव्य सहायता के योग्य नहीं है, गुण सहायता के योग्य नहीं है, पर्याय सहायता के योग्य नहीं है। ईच एंड एवरी मॉडिफिकेशन इज आल्सो कैपेबल टू देयर फंक्शन, फुल्ली एफिशिएंट, फुल एफिशिएंट है वो। और ऐसे पर्याय को तुम करने जाते हो, ये तुम्हारा मिथ्यात्व है।
सम्यक दर्शन बस इसी का ही नाम है कि जहाँ एक भी पर्याय करने की गुंजाइश ना दिखाई दे। ये तो बहुत बुरा नहीं मानना, मुझे लगता है बहुत जनों को बुरा लगेगा मेरी ये बात, लगनी भी चाहिए, लगेगी भी, और मैं नहीं कहता हूँ अच्छे शब्द नहीं, इसलिए नहीं कहना चाहे भैया। वस्तु स्वरूप समझने का नाम सम्यक दर्शन है। मेरी लाचारी समझ रहे हो, चेहरे से मैं बोल नहीं पा रहा। वस्तु स्वरूप समझे बिना सुख नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता। वस्तु विचारत ध्यावती, वस्तु विचारत, वस्तु के बारे में नहीं वस्तु के बारे में नहीं। दूध और शक्कर का रिश्ता आपको विचार है, वस्तु विचारत ध्यावते। शक्कर डालिए, बड़ी निशंक डालिए आपने, निशंक निशंक सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं सोचा शक्कर चूंकि मीठी है, शक्कर में कारणपना है मिठास का, इसलिए शक्कर का आश्रय लेने पर, एक चम्मच शक्कर का आश्रय लेने पर 100 ग्राम दूध मीठा होता है, इसलिए दूध मीठा हुआ। ऐसे नहीं होता विचार, इसका नाम विचार नहीं है। विचार बहुत बहुत ऊंडी चीज है। अब याद आ रहा होगा कुछ, देखो तत्व विचार की महिमा। विचार माने चिंतन नहीं लेना है, निर्णय है। विचार माने निर्णय है, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार करने वाला सम्यक्त का अधिकारी है, पर अणुव्रत महाव्रत पालने पर भी सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। तो थोड़ी गहरी बात है कि नहीं उसमें। बस तू विचार ऐसा सकर डाल दी, ये विचार का बल है। ऐसे यहाँ पर यदि ये वस्तु दिखेगी सम्यक दर्शन हो जाएगा, बस क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं। पंडित जी 70 कोड़ा कोड़ी, चुप, हमें मत सिखा। अरे पंडित जी उसमें लिखा है तीर मोह का, चुप। तू वस्तु का निर्णय कर, तेरा एक ही काम, तू वस्तु का निर्णय कर। वस्तु का निर्णय करने के बाद सम्यक दर्शन होता है कि साहब यदि 70 कोड़ा कोड़ी हुई तो मत चिंता कर, 70 कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। विश्व में क्या कहूँ, कर्णानियों की चर्चा है थोड़ी सी, अपकर्षण, कर्णानियों की चर्चा, अपकर्षण पढ़ा चुके हैं आपके। विश्व में 70 कोड़ा कोड़ी को अपकर्षण करने की शक्ति किसी चीज में नहीं है। बुरा नहीं मानो तो जब जिनेन्द्र देव के दर्शन पूजन में भी वो शक्ति नहीं कि अंत कोड़ा कोड़ी हो जाए। हालांकि मैं कह भी सकता हूँ, सियाद बात है मेरे पास, कि जिनेन्द्र देव का दर्शन करने से 70 कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है, मैं कह सकता हूँ, मेरे पास सियाद बात है। नहीं कह सकते ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आरोपित कथन है, उपचरित कथन है, उपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन है वो। हाँ हाँ, अंतर में तत्व विचार होने पर 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति होती है, वो अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाता है वो। हाँ प्रभु, तुझे अपकर्षण भी करना हो, कोई कह भी दे तेरे को 70 कोड़ा कोड़ी है तो ही तू प्रसन्न हो जा, तत्व का विचार कर। आज सच बताऊँ, अब देखो मेरे दिमाग में बहुत तरह के प्रवचन आ रहे हैं इस समय, 1 घंटा पूरा स्थूल कर सकता हूँ, मैंने स्थूल मैंने डे टू डे लाइफ पर प्रवचन, डे टू डे लाइफ पर बहुत काम का है वो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। आज हम विचार शून्य हैं, पॉइंट पकड़ रहे हो कुछ, तत्व विचार शून्य हैं। हमारे संबंधों में जो तनाव है ना, उसमें विचार शून्यता है। क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति करना बहुत हावी होता जा रहा है। मैंने आज अभी घर में चले आओ, आप कह नहीं सकते पत्नी से कि मोबाइल चाहिए कि मैं चाहिए, तो एक काम कर सकती, आज मोबाइल नहीं चलाना, व्हाट्सएप मत चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, देख लेना आज घर में क्या होगा फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने रिश्तों के विचार विचार नहीं, संस्कृति का विचार नहीं, देश सदगुरु मिले विचार नहीं है, पूज्य गुरुदेव श्री मिले ने विचार नहीं, ये कह रहा हूँ विचार नहीं। एक क्षण की इच्छा की पूर्ति के लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, फिर वो भी कहने की इच्छा होती है, इंद्राणी मुखर्जी की तरह हैरान हो सकते हैं। घर घर में इंद्राणी मुखर्जी है, इसलिए एग्जाम्पल दिया जी, पढ़ा कि नहीं इंद्राणी मुखर्जी के बारे में ये इतनी हैरान 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 दुखी, सीधा सच्चा जीवन है,
बस इतना ही सारा कर दिया। विचार सुन, कभी विचार सुन मत, पहले नंबर विचार करो, इमोशनल मत हो, भावुक मत हो। हम भावुक नहीं करते, पूरी कोशिश चलती है तत्व विचार के योग्य बना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तत्व विचार करने वाला व्यक्ति बहुत सुखरूप होता है भैया, सम्यक दर्शन होता ही है। ऐसा साहब कैसा 70 कोड़ा कोड़ी, फिर आ गए तुम उस पर कि सुन अनादिकाल से तुम। स्वामी जी जैसे दृष्टांत देते, उन्हीं के दृष्टांत देता हूँ मैं आपको सुनाने के लिए। एक रंक व्यक्ति भिखारी भीख मांगने के लिए निकला शाम को 7-8 बजे, 7-8 बजे अंधेरा था ना, अंधेरा था, 7-8 बजे निकला। तो अब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि उसके हाथ में लालटेन हो, फानुस, वो काल में जब लाइट नहीं थी तो झाड़ फान, वो क्या कह रहा, फानुस, लालटेन, वो उसका पैसा नहीं था कि मिट्टी का तेल डाल ले उसमें, इतना पैसा नहीं था, इतना भिखारी था बेचारा, गरीब। लेकिन उसके पास एक पत्थर था, बहुत चमकता था रात को, वो प्रकाश देता था, वो प्रकाश ऐसे देता था। तो उस प्रकाश में उस पत्थर को ऐसे निकाल लिया जेब में से, ऐसे लेके उसके उजाले में, उसके उजाले में सड़क पर जाता, भैया 2 पैसा देना, 1 रोटी देना, भैया देना देना। तो वो तो चमके, बहुत जमके चमके वो, तो जवेरी की दुकान के सामने गया, जवेरी के पास, भैया 1 रोटी देना। अब इसका प्रकाश देख करके वो जवेरी तो जवेरी है एकदम, ऐसे गौर से देखने लगा, भैया 2 रोटी दो ना। बोले तमें भीख मांगो छो, ये भैया गरीब है, 80 साल से भीख मांग रहे हैं, भूख लग रही, रोटी दे दो तुम। अरे तमें भीख मांगवा लायक नथी, क्या कहते हैं भैया, मजाक मत उड़ा भैया, तुम सेठ, हम गरीब, देव ने रोटी दो, ऐसे करता रहा। सेठ बोला तू भीख मांगने जैसा नहीं है, ये जो तेरे हाथ में रत्न है ना, इसे खरीदने के लिए मैं 11 बार अपनी पूरी दौलत दे दूं तो इसे नहीं खरीद सकता, ये पूरी संपत्ति तुझे तिजोरी भर भर के दे दूं ना तो भी मैं इसे नहीं खरीद सकता, इतना कीमती रत्न है। अब सही बताना, 1 सेकंड में भीख मांगने का विकल्प क्या हुआ बता, भीख मांगने के विकल्प क्या हुआ? एकदम निर्विकल, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, एकदम एकदम एकदम। बोला अब भीख मांगने का दर्द कितना बचा, फटे कपड़े की तकलीफ कितनी बची, अभी भी झोपड़पट्टी में सोता है कि सड़क पे सोता है, बोलो। अब यदि ज्यादा से ज्यादा कहें तो अश्रुपात होने लगेगा, अरे मुझे इतने दिनों से खबर क्यों नहीं थी, अरे मुझे श्री गुरु पहले क्यों नहीं मिले, इन्होंने मुझे मेरे हीरे का भान क्यों नहीं कराया, मैं इतनी जिंदगी कैसे चली गई। इसलिए जब सम्यक दर्शन होता है ना, आपने देखे वो चित्र वगैरह, शेर को अश्रुपात होने लगा, अरे जी मुझे अपने भगवान दिखाने वाला कोई क्यों नहीं था, वो पहले मिले थे तो मैंने समझा क्यों नहीं। ऐसे हम गुरुदेव को खो देंगे। अभी अभी आपने सुना प्रवच, मैंने तो जरा से सुन पाया, मेरी दुर्भाग्य रहा कि मैं समय से नहीं आया, लेकिन हमने 5 मिनट जो सुना आपने सुना, 20वें बोल में क्या बोला था, मैंने कहा ही ना जो ही तू, एक आत्मा के सिवा मुझे और कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पढ़ो फिर से, बोल उठा के पढ़ लेना, सुन लेना जी कितनी कीमती बात आ गई, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन को हंसी मजाक मत बनाओ, देखो हम आपको वस्तु स्वरूप दिखाते हैं इसलिए इजी गोइंग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप उसे मजाक उड़ा के चाय जैसे करते रहो, चाय जो खाते पीते रहो। पंडित जी आपने तो कहा था पाप पुण्य कुछ नहीं है, सर ना वो ही हमने कहा था, और आज भी सुनना आ गया, पिक्चर पूरी नहीं हुई, वो इंटरवल था कल। भैया मैंने हंसी मजाक नहीं कर, कोई की बात को वजन देना सीखो, गुरुदेव की बात को वजन देना सीखो। हम जो पढ़ते सुनते अभ्यस्त से हो गए, बस खत्म बात, विचार करो विचार, आ तो आओ विचार करें अपन।
श्रीमद जी ने क्या लिखा, विचार औसत ध्यान है ना, विचार औसत ध्यान नहीं, कर विचार तो पाओ आत्म सिद्धि में है ना, नहीं वो अलग, वो अलग आत्म सिद्धि में आए, पॉइंट पकड़ में आए ना, तो विचार, विचार तो बहुत बड़ी चीज है भैया, अच्छे से समझो कुल मिलाकर के, अब अच्छे समझ गंभीरता से मैं फिर बताता हूं। तो असहाय है, असहाय में द्रव्य, असहाय है माने द्रव को, इसमें तो कोई कठिन नहीं है, द्रव को कोई किसी की सहायता से जीव नहीं बनता, द्रव जीव है ना, जीव तो किसी के कारण जीव नहीं है, किसी की मदद से जीव नहीं है, किसी की ओर देखना पड़े तो जीव बने ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हारा मोबाइल है ना, वो इलेक्ट्रिक के भरोसे, उसे इलेक्ट्रिक की सहायता की जरूरत पड़ती है चार्ज होने के लिए, ऐसा द्रव्य ऐसा नहीं है कि भगवान की तरफ देखे तो वो जीव रहेगा और नहीं देखेगा तो जीव नहीं बचेगा। तो जीव पूरा है और द्रव्य के अनंत गुण वो भी असहाय है, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से, बहुत पहली बार ही बोल रहा हूँ जो कुछ कह रहा हूँ यहाँ पे, उसे पुण्य पाप की मदद की जरूरत तो नहीं है लेकिन धर्म की तक मदद की जरूरत नहीं, शुद्ध उपयोग होते गुण रहे नहीं तो नहीं रहे ऐसी भी जरूरत नहीं है। द्रव्य को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, पुण्य पाप और धर्म की भी जरूरत नहीं है, धर्म नहीं करोगे ना अनंत काल भी तो अभी द्रव्य तो द्रव्य ही रहेगा, द्रव्य तो द्रव्य ही रहेगा, गुण तो गुण ही रहेंगे, केवल ज्ञान नहीं होगा तो भी ज्ञान गुण तो ज्ञान गुण ही रहेगा। तो अनंत पाप कर डालोगे ना मिथ्या मिथ्या ज्ञान तो अभी ज्ञान गुण तो ज्ञान गुण ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, ये असहाय। तो दो की सरल बात है इसलिए इसको ज्यादा नहीं कहते, अभी पर्याय की बात करते हैं। पर्याय में एक समय की पर्याय वो असहाय है, एक समय की कही है मैंने, थोड़ी सूक्ष्म बात है, पहले कह रहा हूँ ना सूक्ष्म बात, अगली पर्याय की पिछली पर्याय, आगरणी की पाछड़नी पर्याय, इस तक की जरूरत नहीं पड़ती उसे। अब स्ट्रक्चर पर ध्यान दो थोड़ा सा, मैंने स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, जब आगे की पर्याय खोटी निकल गई हो तो अभी अगली पर्याय सम्यक्त हो जाती है, तो उसकी कोई स्वतंत्रता पूरी रही कि नहीं रही, वो उसकी मदद करती है कुछ, कोई बाधा करती है कुछ, तो पिछली पर्याय भी मदद नहीं करती, अगली पर्याय भी मदद नहीं करती। ओहो, एक एक पर्याय प्रभु छे, सुना है प्रभु तो शक्ति के प्रवचन में, सुनना स्वामी जी का, एक एक पर्याय प्रभु छे, स्वामी जी तो सब तरह से अर्थ खोला उन्होंने, जिस तरह से अर्थ खोला वो आपको पता ही होना चाहिए कि वहां शुद्ध पर्यायों को प्रभु कहा, लेकिन स्वामी जी ने अलग से एक बात कही, अरे शुद्ध पर्याय तो प्रभु छे पर अशुद्ध पर्याय परिणमने में वो पण प्रभु छे, उसमें भी किसी की सहायता और बाधा नहीं पड़ती, ऐसी एक एक पर्याय असहाय है, असहाय माने इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना काम करने में सक्षम है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, बराबर है, बराबर हुई ना। फिर से तो द्रव्य असहाय, गुण असहाय और पर्याय असहाय, अभी पर्याय असहाय में और खोलेंगे अपन, अभी क्यों पूरी चर्चा इसी की करनी है अपने को, क्यों प्रॉब्लम यही है अभी सारी। तुम सम्यक दर्शन का विचार क्यों करना चाहे थे, कुछ कहूंगा है ना, तुम सम्यक दर्शन का विचार क्यों करती हो, सम्यक दर्शन का विचार सम्यक दर्शन में मदद करता है क्या, बोलो बाधा की मदद करता है क्या, सम्यक दर्शन का विचार, सात तत्व का विचार, ये सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण की पर्याय को मदद करता है क्या, मदद तो नहीं करता। वो ये बात समझ में आए तो ये विकल्प, यही निर्विकल्प हो जाएगा बस। मैं एक दृष्टांत दूंगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी देर बाद दूंगा, याद दिला देना मुझे, क्यों मैं एक पॉइंट और दूसरा बोलना चाह रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा है इसलिए। एक समय की पर्याय को विचार करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की मदद श्रद्धा गुण को नहीं मिलती, ज्ञान की मदद श्रद्धा गुण को नहीं मिलती। अब भूल गया, वो दूसरा पॉइंट बोलना था, भूल गया, इसी इसका दृष्टांत देता हूँ। देखो निर्विकल्प कब हो जाते हैं, कि जब किसी कार्य को तुम्हारे विचार की जरूरत नहीं, जैसे पिताजी को बहुत जम के तकलीफ है, हार्ट अटैक है,
कैंसर है, कोई सी बीमारी है और लास्ट स्टेज है, और जैसे ही खबर पड़ी चेकअप की तो हमें बहुत विकल्प आएगा, आकुलता होगी, एकदम हम फटाफट सारा काम छोड़ के उनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, जो जो सारवार कर सकते सब करें। अभी डॉक्टर ने धीरे से बोला, भैया अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करोगे, कुछ नहीं किया जा सकता, कहीं चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, करोड़ों रुपए लगा दो, कुछ भी करो भाई, आयु से अब 95 है और एक दो घंटे की बात है, मैंने अंतिम है, मुझे बताओ। अभी पिताजी तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, ऐसा हो रहा, पब्लिक भी आ रही, तुम शांति से बैठे हो, तुम्हें पिताजी की तकलीफ नहीं लगती, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, बोलो तुम क्या करोगे, बोले सारी दुनिया को खबर नहीं है वो वस्तु स्वरूप की, इसलिए वो आकुलते होंगे, कैसा छोकरा है शांति से बैठा है, वो तड़प रहे थे हमने देखा, वो तड़प रहे थे, वो पानी मांग रहे थे, इन्होंने पानी तक नहीं दिया, आपको पता है पानी, एक बूंद पानी देते तो तकलीफ होती है, पानी देना भी संभव नहीं है। मैंने जब फाइनल स्टेज आ जाए, बोलो अपन निर्विकल्प होते हो कि नहीं होते हो, और किसके बल पर होते हो, एक डॉक्टर में और आप में कितना फर्क है, आपके पिताजी बीमार होते इतने घबरा के ले जाते हैं कि इसी इमीडिएट उनको इलाज मिल जाए, और डॉक्टर बहुत भैया शांति शांति समता समता, देखा चेकअप करा भाई, देखो घबराने से इलाज नहीं होगा, डॉक्टर में कितनी समता होती है, और डॉक्टर में इतनी शांतता क्यों होती है, क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे वस्तु स्वरूप को देखने वाला शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, विपरीत विचार नहीं चलते, आकुलित नहीं होता, शांत चित्त आनंद आनंद रूप होता है, ये सम्यक दर्शन के हेतु। वो आगे दूसरा पॉइंट भी याद किसे ना, तुम्हें सुनना भी ध्यान से, जरा कटाक्ष करूंगा थोड़ा सा, जो सम्यक दर्शन का विचार करते हैं वे सम्यक दर्शन के सचमुच प्रेमी नहीं है, वे सम्यक दर्शन के शत्रु है। क्या बोले हम, क्या बोला, जो सम्यक दर्शन चाहते वे सम्यक दर्शन का विचार करते हैं वे सम्यक दर्शन के प्रेमी नहीं है, शत्रु हैं। क्यों, क्या मतलब निकला इसका, शत्रु कैसे हो गए, पंडित जी हम तो दिन रात सम्यक दर्शन को ही देख रहे हैं, उसी उसी का विचार कर रहे, सम्यक दर्शन के प्रेमी नहीं है। सुन सुनो, अभी दृष्टांत से दूंगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, दिन रात सम्यक दर्शन की माला फेर रहा है, क्यों चिरन सम्यक दर्शन होगा, होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो हाँ पाड़ रहा है, होना चाहिए। सुना मैं दृष्टांत, दृष्टांत के बिना नहीं समझ आएगा, मैं दृष्टांत देता, देखो जिसको दूध मीठा करना होता है ना तो मिठास का विचार नहीं करता, शक्कर डालने का प्रयत्न करता है, शक्कर तपासता है, शक्कर खोजता है, शक्कर डालता है, जिन्हें कार्य प्रिय होता है वो कारण में उद्यम करती है। क्या बोला हमने, जिन्हें कार्य प्रिय होता है वे कार्य का विकल्प छोड़कर, जिन्हें कार्य प्रिय होता है वो कार्य का विकल्प छोड़कर कारण में प्रयत्न करती है। आया समझ में आया, थोड़े आगे आगे सर को, दोनों बच्चे इधर आ जाओ बेटे, आगे उनको जगह दे दो थोड़ा, आ जाओ बेटे आगे, दोनों जन रेड शर्ट भी आ जा, ऐसे आना आराम से, इधर बैठो, बड़े अच्छे से सुन रहे, इसलिए माने बच्चे अच्छे से सुनते तो बहुत मजा आता है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठे, शाबाश। कोई बात नहीं, हाँ भैया बीच में जगह नहीं छोड़ बेटे, आ जा शाबाश, आगे आ जा, हाँ भैया हिम्मत नगर टाइम से आया करो बेटे, थोड़ा आगे आ जा, ये तो सही में तुम गृहस्थी में से निकल के आते हो ना, यही पंचम काल का आश्चर्य है, मैंने बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप आते हो सुबह सुबह, इतनी भारी संख्या में लोग आना, घर का काम छोड़ना, नौकरी व्यापार धंधा, कितनी तूफान है जिसकी हद नहीं, आगे बहुत अच्छा है, सुनना ध्यान से, समझ में आता है ना, तो जैसे कार्य प्रिय हो उसे कारण में नजर जानी चाहिए। बेटे जरूर उठा, जरा पंखा बंद कर दे, तो कहाँ जाओगे, हाँ तो
तो पंखा थोड़ी देखते हैं, अब हमने तो बोला पंखा बंद करो, तो इधर थोड़ी देख रहे हैं कैसे बंद करना पंडित जी, हाथ लगाऊं हाथ कट जाएगा पंडित जी, मैं नहीं कर रहा बंद। एक काम करो, एक बंबू लाओ। है ना बंबू लाए, देखो हमने कहा पंखा चालू करो या पंखा बंद करो, तो कार्य की ओर नहीं देखा, स्विच की ओर देखा। जब तुम्हें बार बार करे तो इधर दृढ़ स्वभाव देखो पर्याय। अच्छा अब मान के तुम उठ गए, उठ ही जाते, उठ जाते और स्विच ऑफ कर जाए तो फिर चलता कि बनता, बंद हो जाता। कितने निशंक हैं, बंद किया देखा तक नहीं, ये चल तो रहा है किसी ने नहीं देखा, ऑफ करने पर भी चल रहा है किसी ने नहीं देखा, क्योंकि हमें कन्फर्म है, कन्फर्म है ये रुकने के लिए चल रहा है। ऐसे ही हमने ध्रुव स्वभाव का निर्णय कर लिया, गारंटी हो गई सम्यक दर्शन होगा। ध्रुव स्वभाव का निर्णय करने वाले को, वस्तु स्वरूप विचार करने वाले को सम्यक दर्शन होगा ही होगा, अभी हो थोड़ी देर बाद हो जाए, बाद में हो जाए, हो जाएगा। ये भी हम इसलिए कह रहे हैं कि करणानुयोग की अपेक्षा है, द्रव्यानुयोग तो कह रहे स्विच ऑफ हुआ ना, लाइट ही बंद हो गई, मैंने उसका करंट जाना बंद हो गया, ये सम्यक दर्शन है। और पंखा चल रहा है वो चारित मोह है, अब पंखा भी बंद हो जाएगा, दर्शन मोह गया पहले, फिर चारित मोह भी चला गया, पहले लाइट कट हुई ये दर्शन मोह गया, बाद में पंखा बंद हो गया ये चारित मोह गया, ये था ख्यात चारित था ही गयो। इतना सरल काम है, तो तुम इधर से स्ट्रक्चर देखो ना। अब कोई कोई कल रात कोई कोई पुण्य पाप की चर्चा करे, कोई और कुछ थोड़ी बताना था, यही तो बताना था कि पुण्य पाप की हैसियत क्या है, रोल कितना सा है, वो कितनी बच्चों को समझाने की शैली में समझाया गया है, और तुम उसी को पकड़ के बैठ गए से दुखी हो गए। असली पाप तो मिथ्यात्व है कि तुम अपनी प्रभुता स्वीकार नहीं करते, ये मिथ्यात्व अपनी प्रभुता, प्रभुता का समझ में आया, एक भी पर्याय में काम करने की गुंजाइश तो नहीं है ना, ये बता रहे हैं हम आपको। असहाय मतलब एक भी पर्याय में किसी सहायता की, भला तुम 16 साल के हो गए, हो गए नहीं हुए 15, ठीक कोई बात नहीं 15 के सही बराबर, तो तुमको थोड़ी बहुत टेंशन तो होती होगी, नाक का साइज प्रॉपर बढ़ रहा है कि नहीं, कान का प्रॉपर साइज बढ़ रहा है कि नहीं, बाल बराबर बढ़ते हैं कि नहीं, हाथ की हड्डी अंदर अंदर लिंगामेंट और क्या क्या होती है वो बराबर बढ़ रहे कि कोई विकल्प होता है कि नहीं होता है, नहीं होता विकल्प। ओहो इस अनंत जो सेल्स हैं वो एक एक अपना काम करने में सक्षम है, ऐसा जाने बाद अब जैसे शरीर के प्रति निर्विकल्प होते हो ऐसे आत्मा के प्रति निर्विकल्प हो गए, असहाय जानते से ही सम्यक दर्शन हो गया, करंट मिलना बंद ही हो गया कह रहे हो, ये नहीं कह रहा हो जाएगा कि नहीं होगा, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, पंडित जी अब सोच तो रहे हैं कर तो रहे हैं, ऐसे हीले हवाले की भाषा नहीं है, स्विच ऑफ लाइट कट, ओ ऐसा है तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं बची, यही तो ध्रुव की दृष्टि है। ध्रुव की दृष्टि का क्या मतलब, क्यों कहीं गुंजाइश बची नहीं है, आया समझ में आया कि नहीं आया, ओहो तो असहाय है, एक भी पर्याय को सहायता की जरूरत नहीं है, तो अब सम्यक दर्शन करना है का मतलब ये निकला कि एक भी पर्याय को सहायता की जरूरत नहीं, तो फिर अब नहीं है जरूरत, तो फिर हम ही निर्विकल्प हो गए। बोलो अभी डॉक्टर के पास जाओ ना, डॉक्टर के पास तो कहेगा थोड़ा आंखों का ध्यान रखा कर, अब एक काम करो एक डॉक्टर के पास जाकर भी आओ, सब टेंशन में डालते हैं आजकल, देखिए आओ आप कहीं भी मिल के आओ किसी डॉक्टर को, भाई थोड़ा फेफड़े के बहुत सार बार रखो, थोड़ा कान का, कान वाले के पास जाओ तो भैया पर्दा भाऊ जोखमी छे, फिर आँख वाले के पास जाओ तो आँख में टेंशन खड़ा कर देता है, जो देखो वही टेंशन खड़ा कर देता है, हमसे पूछो कुछ मत करो, इस शरीर की बिल्कुल टेंशन नहीं करो, समय से सो जाओ, समय से जागो, अच्छे से खाओ पियो और दौड़ के पचाओ, मेहनत करके पचाओ, फिर बीमार हो तो हमारे पास आओ, क्या बोल रहे हैं। पांच इंद्रियों के विकल्प मत करो, पांच इंद्रियों के अभी सच कहते हैं, आप जाके देखो एक भी डॉक्टर को, उसे अपनी मोटी रकम बनानी है और इतनी टेंशन क्रिएट कर देता है, और रोज आते ही टेलीविजन में भी देखते हो, जगह जगह अखबार में आता है, ओह भैया आंख बहुत ऐसा, कान ऐसा, वैसा ऐसा, और ऐसे करो वैसा करो, अब सब तरफ चिंता करते हो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको, रिटर्न टू नेचर,
अब वो ये नहीं कहता कि रिटर्न टू नेचर, खूब टीवी जो हो लेकिन 8 फुट दूर से जो बस कर उसे मालूम टीवी ये छोड़ेंगे नहीं। फिर एक सन ग्लास लगाओ तो एक इसमें लगा दो स्क्रीन, नहीं कितनी खोज कर डाली, एक इसके ऊपर लगा दो, एक इसमें भी लगा ले। मैंने सेम कभी कभी सड़कों पे भूत से घूमते हैं, भूत मैंने अभी पहले तो मोड़ी लड़कियां बांधती थी ऐसे, वो अभी लड़के भी एक स्पाइडरमैन जैसा ऐसे ऐसे हरी मर गया। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही, हम घूम रहे थे तो भी पसीना पसीना हो रहा, ऊपर ऐसे ऐसे लगाने में अपनी शान समझ रहा है। मतलब थोड़े दिन बाद कोई फोटो खिंचाने जाएगा ना तो पता नहीं काय की फोटो खिंचेगी क्या गजब हो गया। नहीं 5 इंद्रियों की चिंता नहीं कर, आप नेचुरल लाइफ जियो, नेचुरल खाओ पियो, उठो बैठो, अच्छे से रहो, शरीर अपने आप रहेगा। कि जानवरों को कौन बताने जाता है तुम्हारी आँख खराब हो जाएगी, क्यों वो नेचर के पास रहते हैं बता, क्यों तुमने कौआ को चश्मा लगाते देखा है, एक भी कौआ को चश्मा की जरूरत नहीं पड़ती। पंडित जी आपको क्या मालूम पड़ती हुए तो अरे इतने ऊपर से देख लेते हैं, इतने ऊपर से नीचे जमीन का। और सुना तुम तो नहीं समझ पाते, एक आदमी सो रहा हो एक वृक्ष के नीचे तो कौआ कभी उसे खाने नहीं आता, और 1 सेकंड बाद मर जाए, देह छूट जाए, कौआ खाने आ जाता है, चींटी काटने आ जाती है, खाने आ जाती है। उनको इतना पता है, तुमको पता नहीं लगेगा। तुम दूर से देखो तो ये लग रहा है सोया है कि मरा है, ये पता नहीं लगा पाओगे, उनको पता लग जाता है। अब उन्हें जरूरत है क्यों, उनकी स्मेल सूंघने की शक्ति कितनी है। तुम जितना 5 इंद्रियों का ध्यान रखते हो उतनी कमजोर है, और फिर 5 इंद्रियों का ध्यान नहीं रखते उतने मजबूत है। कुछ कहा है मैंने, दृष्टांत है, हो क्या कहा, दृष्टांत है। ऐसे तुम द्रव्य स्वभाव का निर्णय कर लो, तुम्हारी एक एक पर्याय मजबूत हो जाएगी, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो जाएगा, और तुम उनका ध्यान रखते हो भी कमजोर हो जाती। देखो कितने दृष्टांत चाहिए आपको, बोलो। एक भी पशु पक्षी जहरीले पत्ते खा के नहीं मरता, एक भी पशु पक्षी जहरीले पत्ते खा के नहीं मरता, और एक भी पशु पक्षी स्कूल नहीं जाता, लेबोरेटरी में नहीं जाता, इसमें पत्ते में इतना जहर है, इतना इतना कंटेंट है, इतना इतना ऐसा है, इतना पॉइजन है, एक को भी नहीं पता, किसी को नहीं। बताओ ये चिड़िया कैसे सिखा देती अपने बच्चों को। एक जानवर अपनी गाय बैल को बछड़ों को ये कैसे सिखा देती खाना ये नहीं खाना, कैसे सिखा देती बताओ। अब सोचो वे लोग तुमसे ज्यादा हीरो हैं कि नहीं, इंटेलिजेंट हैं कि नहीं, सोचो। और हम इतना पढ़ते हैं तो भी जहर खा लेती, लिखा है तो भी खा लेती गजब हो गया। अब मैं कुछ कह रहा हूँ दृष्टांत समझो, माने हम जितना ध्यान देते ना उतने कमजोर हो जाती, वे कमजोर नहीं हुए, जिन अपनी भाषा में कहते उनका एक्स्ट्रा सेंस बराबर है कि नहीं। अभी अपने में लगाओ थोड़ा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक और दृष्टांत देके कहता हूँ। आप अपने बच्चों को जितना ध्यान दे करके सोचते ना उतनी कमजोर हो जाती, दृष्टांत है, दोनों ही काम हो जाएंगे मेरे। आप अपने बच्चों को क्या सोचते हो, कपड़ा नहीं धो सकता, सुनो अब बच्चा कमजोर हो जाएगा। बच्चे जूते मोजे खोल के छोड़ गए, मम्मी ने उठा के रख दिया, आपने उसे कमजोर कर दिया, बिल्कुल मत उठा, पड़े रहने दो, भाई भोजन तब दो, पहले बेटे मोजे जूते रखो, डांटो फटकारो नहीं बस रखो, यदि उसे भूख लग रही होगी तो वो कहेगा मैं बाद में रखूँगा, नहीं बेटे बस पहले रखिए आप, यदि आपको भूख लगती है तो फिर आप पहले जल्दी से रख के आया कर, नहीं तो आप जाइए वापस। यदि बच्चा इतने ताकतवर नहीं होगी रख सके तो पहले अपन रखने जाओ, फिर आओ हाथ पैर धो फिर उसे खिलाओ, तो क्या मम्मी ऐसा क्योंकि आप बाद में रख देते, नहीं बेटे तुमको ये शिक्षा होनी चाहिए कि आप अपने काम स्वयं करना सीखो। बच्चे को मजा आता है चाकू से सब्जी सवारने में, ये हाथ काट लेगा, अब तुमने कमजोर कर दिया। पोता मारने दो, कपड़े धोने दो, थोड़ी वो साबुन ज्यादा बहाए बहाने दो, ब्रश चलाने दो उसे थोड़ा, करने दो हर काम, करने दो उसको, वो बहुत वर्ल्ड का सबसे मजबूत बच्चा होगा वो।
कुछ कह रहा हूँ मैं, जैसे अपन बच्चों को ध्यान रखती तो वो कमजोर हो जाती, ऐसे हम पर्याय का लक्ष्य करते तो पर्याय कमजोर हो जाए। मत, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे, सहायता की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चे को आप क्या कहें, यदि अकेला छोड़ दो तो अपने आप बनाना खाना सीख जाएगा। मत कुछ मत करो, बच्चा अपने आप सारा काम करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ। आपको पता है छोटे बच्चे की भी एक भाषा होती, मम्मी समझ जाती है, आप नहीं समझते, मम्मी समझ। देखो उसका पानी का टाइम हो गया, पानी पीना है उसको, देखो उसको दूध पीना है, उसको दूध का टाइम हो गया, अरे वो देखो उसको दर्द हो रहा होगा, अरे इधर दर्द होगा, समझ जाती है माँ। बच्चे स्कूल से आते हैं ना, जैसे 4-5 साल के 6 साल के, अब वहाँ उस समय तो जोश रहता है ना, तो खूब दौड़ लगाते हैं, खूब खेलते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं, जो जो उनका मतलब होगा खूब करते हैं। अब रात को आके उनको वो दुखते हैं, अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा, वो हारा थका चेहरा, और रात ऐसे ही सो गया, और रात को ऐसे ऐसे चेहरा हो रहा, हाथ पैर ऐसे हो रहे, अब समझदार मम्मी समझ गई इसको बेचैनी हो रही, ये बहुत खेला होगा, वहाँ दौड़ा होगा बहुत। तो झट उसने उसके बच्चे के पैर पे हाथ फेर दिए, थोड़े मसल्स ऐसे ऐसे कर दिए, थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया, बच्चा एकदम रिलैक्स होकर सो गया। अब जो बच्चा ने तो कुछ नहीं कहा, और बच्चे ने कहा भी है, कहा भी है, समझदार समझ गए। ओहो तू पर्याय की ध्यान मत रख, क्योंकि सचमुच पर्याय को तेरी जरूरत नहीं है। एक समय की पर्याय जैसी होनी ना, उसमें केवल ज्ञान भी फेरफार नहीं कर सकता, अप्रभावी है, असहाय है, उसे सहायता की जरूरत नहीं है। महावीर भगवान को अमावस की रात में अर्ली मॉर्निंग जाना था तो जाना ही था, उसमें केवल ज्ञान ने क्या कर लिया, क्या कर लिया बोलो, आया समझ में आया कि नहीं आया। ओहो थोड़ा सा कटाक्ष करता हूं, भाग्यहीन पूनम के दिन में भी ग्रह प्रवेश करे तो भी घर में सुख से नहीं रहता। समझ गए नहीं, है ना, भाग्यहीन बैड लकी व्यक्ति पूनम का दिन, माने अच्छा मानते हैं पूनम का दिन, पूनम के दिन भी ग्रह में प्रवेश करे, माने वास्तु करे, क्या करते प्रवेश, नए घर में प्रवेश करे, तो भी जिंदगी भर दुखी रहता है। और पुरुषार्थी जीव अमावस की रात में भी मोक्ष जावे तो भी आनंद का सुखी रहता है। पहले अपने सभी जगह एक घर में एक चौगड़िया लटका रहता था, चौगड़िया, तो सब लोग उसी उसी में नजर रहते थे, हाँ गुरुवार है उधर नहीं जाना, रविवार है आप आज नहीं। फला ऐसे ऐसे बहुत चलता था बहुत। अब तो घर में दिखते नहीं चौगड़िया, गुरुदेव की कृपा है, संडे के दिन ऐसे नहीं करना, हाँ ऐसे नहीं जाना, और कितने 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 बहुत बहुत था बहुत। वो तो जब से रेल चलने लगी ना तब से फिर एक कहना पड़ा, लॉजिक देना पड़ा, भैया कौन सी दिशा में रेल रोज नहीं चलती, कौन सी दिशा में रोज हवाई जहाज नहीं चलता। बोले इसके पहले तो बड़ी बड़ी वो बिल्ली रास्ता काट गई। अरे लेकिन सन भाग्यहीन जहाँ जाता वहीं दुखी होता है, और पुण्यवानों को पवित्र जीवों को कोई चौगड़िया नहीं देखना पड़ता, कोई मुहूर्त नहीं देखना पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया। अब और आगे सुनो, कायर जीव वहां देखे बिना नहीं रहता, और पुरुषार्थी जीव यहां देखे बिना नहीं रहता। क्या बोल गई, कायर जीव वहां देखे बिना नहीं रहता, जितने ब्लैक मनी जितने ब्लैक मनी वाले सब डरते, डरपोक नंबर वन, उन्हें ऐसा लगता उन्हें उन्हें ठगना सरल है बिल्कुल, और उन्हीं की कृपा से निर्मल बाबा वगैरह तैयार हुए सब, जो जो मार्केटिंग है ना, जो टेलीविजन पे कितने विज्ञापन आते हैं, तंत्र मंत्र के लिए मिलिए, फला के लिए मिलिए, वास्तु के लिए मिलिए, ग्रह प्रवेश सही कराइए, क्या क्या कहलाता है वो, नव सर्प योग, काल सर्प योग है, भगवान का जय हो गया, वो सब काय के लिए हो गए, वो ब्लैक मनी वालों के चक्कर में। अभी तक एक भी विज्ञापन नहीं है देश के गरीबों की दशा सुधारने के लिए,
भिखारियों की दशा पलटा भी जाए, उनके लिए कोई विज्ञापन नहीं, बेचारों के लिए कोई, उनमें पैसे ही नहीं है। इधर का मकान उधर करो, इधर की खिड़की उधर करो, इधर का ऐसा करो। अजी ये नहीं जानते, देखो वस्तु स्वरूप नहीं जानते। हमने तो आज तक एक भी मुहूर्त नहीं देखा किसी बात के लिए भी, मैंने नहीं देखा आज तक एक भी मुहूर्त। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमने तो आज तक नहीं टांगी वो क्या होती है वो मिर्ची हमने तो अपने भाई बहन सब किसी के एक भी धागा नहीं बांधा, काला माला हाय 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 बांधो। अभी तो हमारे घर में कभी किसी की नजर नहीं उतारी, वो करती ना मिर्ची और कपड़ा और जलाओ ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं कर। तो हमारे घर में तो कोई को कुछ नहीं हुआ, कुछ कह रहा हूँ समझ में आया। बस तू स्वरूप तो विचार के देख, एक भी पर्याय को किसी की सहायता की, ओ जो जरूरत महसूस करते हैं वे कायर हैं, नपुंसक है क्लीप है बोलो सुखी रहने कितना बढ़िया रास्ता है, जरूरत नहीं है। अरे अभी सब जन भोजन करने बैठ जाए, मम्मी बच्चे से बोले बेटे मैं खिलाऊं तेरे को, तो पहले तो बच्चा आंख फाड़ गए, क्यों क्यों खिला, नहीं नहीं देखे आज करके देखा ना, आप बोल के देखना हम सबको खिलाएंगे आज, क्यों खिलाओगे आप, हम नहीं खा सकते क्या, जो स्वयं खा सकता है उसे खिलाने का विकल्प की जरूरत नहीं है। निर्विकल्प की बात चल रही, दृष्टांत ध्यान रखो, ऐसे जो पर्याय स्वयं समर्थ है उसे करने की कोई गुंजाइश नहीं, जरूरत नहीं, विकल्प नहीं, इसका नाम निर्विकल्प सम्यक दर्शन। अब हमें सम्यक दर्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हो गया वो, तो आया समझ में, आया कि नहीं आया। ध्यान रखना ये पुण्य पाप का हिसाब रख करके, पुण्य पाप का हिसाब नहीं होगा, सोच सोच के सम्यक दर्शन नहीं होगा। दृष्टांत देने की इच्छा हो रही और तो कोई रास्ता नहीं मेरे पास। एक महिला बहुत इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी है ना, कॉमर्स एम कॉम सीए भी है, दृष्टांत हो कोई हो तो नाराज नहीं होना तो सीए, तो अब पूरे घर का हिसाब रखती है, यहाँ तक तो अच्छा लगता है ना सुनने में, पूरे घर का हिसाब रखती है। फिर वो ऐसे हिसाब रखती है, ये नहीं 12 ग्राम दाल खाता है, 28 ग्राम सब्जी खाता है और 2.5 रोटली खाता है, और जिस दिन से इसका जन्म हुआ है नहीं उस दिन से अभी तक इसने 50,000, 75,000, 8,000, 9,000, 990, 91 रोटी खाई, कितना बढ़िया हिसाब लगेगा ये, क्यों कैसा लगेगा। मेहमान भोजन करने बैठे, अरे अभी तो आपने 3 रोटी ही खाई और लो ने, ये तो तुम वही रोटी गिनती हो अब समझो कैसा लग रहा है बोला, चाहे वो परिवार हो चाहे मेहमान हो, किसी को भी ऐसे गिन गिन के खिलाओ कैसा लगेगा बोलो। इसका मतलब है देखने लायक नहीं है, ऐसे पर्याय देखने लायक नहीं है। गिन गिन के हिसाब मत करो, पुण्य हुआ इतना पाप हुआ, इतना पुण्य हुआ इतना पाप हुआ, और इतना शुभ हुआ इतना शुद्ध हुआ इतना, ऐसे बनियों की तरह हिसाब मत लगाओ, मोक्ष हो जाएगा जा, हिसाब मत लगाओ। समझ में आ रहा कि नहीं, हिसाब कितनी विच्युति हो गई, कितना वो हो गया, कितना उपशम हो गया, कितनी उदीर्णा हो गई, कितना छह उपशम हो गया, कितना छह हो गया, अक नहीं होगा तेज, तू बनिया है सब। तो आप हमें डांट रहे हो, फिर लिखा क्यों है वो गुणस्थान में, अरे वो तो इसलिए लिखा है कि तेरा काम हो जाए और फिर उपयोग इधर ना लगे, उधर लगाना ना हो, इधर टिके नहीं उपयोग उधर लगाना नहीं है, हिसाब लगा लेना थोड़ा बहुत, नहीं समझ में आया। बोलो भैया कुछ काम करना पड़े ये पुण्य का उदय, या कुछ काम नहीं करना पड़े ये पुण्य का उदय, पक्का ना है, है ना जी। अब एक काम करो, तुम्हारा बच्चे तुम्हें रिटायर कर दे, समझ लो आपको रिटायर कर दे, जाओ पप्पा आज कोई काम नहीं, खाओ पियो एंजॉय जाओ। अब फिर सुनने में तो अच्छा लगता है, टाइम नहीं कटता, घर में बैठे बैठे करें क्या, कितनी देर पढ़ें, फिर और क्या करें, कहाँ तक टीवी भी कहाँ तक देखें। नहीं पप्पा फुल फ्री से आप तो खूब आराम से टीवी जो जो देखे सो करो, लेकिन बोर हो जाता है आदमी, तो भले ही कुछ भी नहीं करना हो तो अभी दुकान जाने में अच्छा लगता है,
वहीं बैठ जाते हैं, ग्राहकों को देखते हैं बच्चे कैसे बेच रहे हैं, नौकर कैसे कर रहा है, बीच बीच थोड़ा नौकर को भी टप टप कर देते, ए ठीक से रख, वो सामान डुल जाएगा, ए हिसाब रख, ए कागज गिर गया, ले जा अखबार ले, पड़ोस के यहाँ से अखबार ले, टाइम पास हो जाता है। तो काय के लिए गया था दुकान वो, काय के लिए गया था, व्यापार धंधे के लिए थोड़ी गया था वो, गया तो टाइम पास के लिए था, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगा बेचारा, क्या करे, ऐसे यहाँ टिकता नहीं है और वहां जाना नहीं, तो बीच में करणानी भी पड़ता है, चरणानी भी पड़ता है, और भी पड़ता है, और पड़ता ही नहीं है, फिर पड़ता है, फिर पड़ता, समझ गए, नहीं समझ में आया। रेलवे स्टेशन पर अपने अखबार खरीदा, रेल 15 मिनट लेट है तो 15 मिनट में अखबार पढ़ लेंगे, तो फटाफट मोटी मोटी खबरें पड़ी, तब तक ट्रेन आने वाली है, ऐसा समझा। अब इतने में आवाज हुई, 1 घंटे बाद आएगी, अब क्या करोगे? अब आपने 1 घंटे के हिसाब से फिर 1-2 लेख पढ़े, एडिटोरियल पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, डिटेल में आने सारी मेन मेन न्यूज, इंद्राणी मुखर्जी का पढ़ा, आसाराम का पढ़ा, राधे माँ का पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर इतने में फिर टकोर हुई, गाड़ी 2 घंटा लेट है, अब क्या करोगे आप? को क्रिकेट की रमत गमत अच्छी लगती थी, 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, अच्छा तब इतने रन बनाए इसने, अच्छा ऐसे जीत गए, अच्छा उसने कितने बनाए, फिर पढ़ता है, उसने कितने करे, फिर और फिर पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर कितनी कितनी बातें, भाई क्या करे, स्टेशन छोड़ना नहीं है, प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं है, 4th-5th गुण स्थान छोड़ना नहीं है, भाई खड़े रहना है, ट्रेन आए हम बैठे ने शुद्ध उपयोग में चले जाए, ट्रेन छोड़नी नहीं है, और कहीं जाना नहीं, कहीं जाएंगे तो फिर खो जाएंगे बस, तो फिर क्या करता है बोलो, समझ आया कुछ? ओहो, अपने उपयोग की रक्षा करने के लिए पढ़ता है, इसलिए नहीं पढ़ता कि इसे पढ़ पढ़ के सियादबाद को, सियादबाद इसे पढ़ पढ़ करके ऐसे नहीं पढ़ता है, मैंने एक एक में खुश होने के लिए नहीं पढ़ता, बोलो यदि वहाँ कोई बात हो जाए तो दुकान पे बैठता है या चला जाता है? नौकर को रोकने टोकने के लिए बैठा रहेगा या चला जाएगा? कोई बड़ा काम होए तो झट चला जाएगा, किसे फिर नौकरों को कौन देखेगा, कि कोई देखे, कौन हमारा काम है, हम तो कोई व्यापार चलाने थोड़ी आए, व्यापार बच्चों का काम है, ज्यादा हुआ तो हम बच्चों से कहीं बेटा ध्यान रखना, वो नौकर जरा उससे कह देंगे, लेकिन अपना काम करने की गरज आती है तो छोड़ के चली जाती, ऐसे ही अपना अपना काम करने की गरज आती है सब छोड़ देते हैं। कहीं लिखी है ये बातें जो आप कह रहे हो पंडित जी? एक तो बड़ी गंदी आदत है आपकी, जिनवाणी में से नहीं पढ़ के सुनाओ। मुझे मालूम है सबको तकलीफ होती होगी, खोल के नहीं रखेंगे, उसमें से देख के नहीं पढ़ेंगे, भाई मैं क्या करूं, मैं लेक्चर देने की आदत है कॉलेज की। अब कॉलेज में भी ऐसे ही किया मैंने, खड़े खड़े पढ़ाया और किताब में से देख के नहीं पढ़ाया मैंने, सीधे डायरेक्ट लेक्चर बस, और जिस दिन मैं किताब में से पढ़ाऊंगा आप में से आधे सो जाओगे और आधे उठ के चले जाओगे, क्यों वो मेरे शैली में नहीं ना, शब्द सा अर्थ करना उसमें शैली में नहीं, पढ़ा तो सकता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उतनी उसमें मौज नहीं पड़ती, एक जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, इमेजिनेशन, वो ऐसे होता है मेरे से, आया समझ में आया कि नहीं आया? मैं खुद ही अपनी आलोचना कर देता हूँ, आप चिंता नहीं करना। लेकिन आप मिला ना, कल कोई पूछ रहा था, आप इतनी सारी बातें बता रहे, हमने तो पहली बार सुनी, तो कोई आधार है इनका कि ऐसे ही है? मैंने जितने भी आधार दिए प्रसिद्ध आधार दिए हैं, एक भी आधार इसमें से ऐसा नहीं है जो प्रसिद्ध ना हो, बस ऐसा है कि मैंने उसको कॉम्बिनेशन किया है, सही जगह पर आपको सही जगह सेट करके दिखाया है उसको, इतनी सी बात है, भाई सब लिखा है, अभी तो और भी बहुत लिखा है, वो तो आप एक काम करो, मैं पिछली बार भी कह के गया था, आप थोड़ी सी एक आध महीना निकालो, एकांत में आओ, जंगलों में बैठे अपन समय शिखर जी वगैरह साधना शिविर लगाएं और वहाँ पर हम आपको पूरी व्याख्या समझाएं अच्छे से, केवल इस रमत गमत के लिए नहीं, इसके लिए नहीं, सचमुच कुछ करेक्शन के लिए, काहे के लिए,
हो बोलो, अब वो पर्याय करने से होती है कि होती है? तो होती है बस। ऐसे आप देखो, एक एक पर्याय असहाय है, एक भी पर्याय को तेरी सहायता की जरूरत नहीं है। थोड़ा व्यवहार का अर्थ और कर देता हूँ, थोड़ा व्यवहार का। तो पंडित जी, जब कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तब पंच परमेश्वरी को हम पुकारें कि नहीं पुकारें? उनकी याद करें कि नहीं करें? हे प्रभु नमो हिंतानम बोलें कि नहीं बोलें? समझ आया प्रश्न? समझ आ गया कि नहीं आया? तो पंच परमेश्वरी सहायता करते हैं कि नहीं करते? और चलो पंच परमेश्वरी तो नहीं करते, लेकिन पुण्य तो बनता है ना, वो पुण्य तो हमारी सहायता करता है कि नहीं? जैसा पंडमुकार मंत्र बोलो तो पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो दुकान अच्छी चलेगी। पुण्य बांधेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, साता का उदय रहेगा। इसलिए पंच परमेश्वरी का जपना करना चाहिए, खूब पंच परमेश्वरी की भक्ति पूजा पाठ करने से घर अच्छा रहता है, बहू ठीक ठाक रहती है, सासू माँ ठीक रहती है, अपना शरीर में साता रहे छे, छोकरा छोकरियों भणे छे, बराबर है? भैया तू तो बहुत ही उल्टा सीधा गणित सीख के आया। तो पंडित जी गलत है क्या? कि नहीं गलत नहीं है, सियाद बात से सही है। सही है, जो पुण्य बांधते हैं उन्हें अनुकूल सामग्री मिलती है। लेकिन शांति सुनना, पुण्य बांधने वाले को अनुकूल सामग्री मिलती है, शांति न थी। शांति तो वस्तु विचार थी मड़े छे। क्या बोला? शांति तो ऐसा नहीं है, पुण्य बांधते हैं सामग्री मिलती है, पक्की बात है, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है, निशंक बात है। लेकिन उसे शांति कहाँ मिलती है? शांति तो इससे मिलती है, सामग्री हो कि नहीं हो, शांति बहुत मिलती है। शांति बहुत नहीं मिलती है। क्या कहते हैं इसके लिए? तो आपको अभी इसका भी सब चैप्टर इसी में है, जो एक मैंने बनाया एक चार्ट, आप ले लेना, बाद में पढ़ना आपस में। उस चार्ट में सब लिखी मैंने, हिंट्स, सारे हिंट्स लिखी। पुण्य के उदय में सुख नहीं सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। पुण्य के उदय में सुविधा मिलती है, सुख नहीं मिलता। और सुविधा मिलने से मोक्ष नहीं होता, सुखी होने से मोक्ष मिलता है। मोक्ष में जाके सुखी होता है नहीं कह रहे? क्या बोला? मोक्ष में जाकर सुखी होते है नहीं कह रहे? जो सुखी होते हैं वे मोक्ष में जाते हैं। नहीं समझ में आया? नौकरी करेगा तो क्वालिफाइड होगा, ऐसा नहीं। क्वालिफाइड हो तो नौकरी करे, ऐसी सम्यक दर्शन हो जाए तो तू क्वालिफाइड सम्यक दृष्टि होगा, ऐसा नहीं। पहले तू क्वालिफाइड हो तो सम्यक दृष्टि हो, ऐसे हर पर्याय में लगा लेना। हम क्वालिफाइड नहीं होना चाह रहे, हम पर्याय चाह रहे सम्यक दर्शन हो जाए। और इसीलिए जो थोड़े दिन ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना थोड़ी, और इमोशनल हो जाते हैं, तो कई बार शंका करते हैं अपने ऊपर, शायद सम्यक दृष्टि हो गए। फिर दूसरे दो चार विद्वानों को बुला के पूछते, मुझे ऐसा ऐसा हुआ, फिर एक रात को ऐसे बैठा था, फिर ऐसा ऐसा हुआ, आप बताओ काय के लक्षण है? गजब हो गया। मैंने तू खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, मैंने यू आर नॉट क्वालिफाइड बट यू आर वांटिंग सर्टिफिकेशन ऑफ सम्यक दर्शन। अरे इससे पता लगता है तेरे को वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं। वस्तु स्वरूप समझा है स्ट्रक्चर? पहले एक एक पर्याय असहाय है, द्रव्य असहाय है, गुण असहाय है, और पर्याय असहाय, उसे सहायता की जरूरत नहीं है। तुम सहायता ले क्यों रहे हो? तो बोलो भगवान का नाम जपेंगे तो पुण्य बंधेगा कि नहीं? उससे सहायता मिलेगी कि नहीं? ऐसा जीव भी ग्रहित मिथ्यात् का एक रूप, सुधरा हुआ रूप है। सुनो सम्यक दृष्टि भगवान की पूजा पाठ इसलिए नहीं करता, इससे छोकरा छोकरी ठीक रहेंगे, व्यापार धंधा ठीक रहेगा, स्वर्ग जाऊंगा, 1% भी उसके चित्त में ये बात नहीं होती। चित्त में नहीं होती क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप दिख रहा है, उसे यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है। और इसीलिए वो कहता है रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। हाँ जी राम, रहो चाहे जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही। काय के बल पर कह रहा है पंडित? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना तो हम नहीं छोड़ सकते, स्त्री पुत्र व्यापार धंधा। अरे कौन छुड़ाता है, तुम कहाँ छोड़ोगे?
और तुम छोड़ने वाले होते कौन हो? तीर्थंकर भी नहीं छोड़ सकते, तुम क्या छोड़ोगे? उल्टा नहीं पकड़ना, पूरा सुनना। जिस समय तक संयोग जिसका जितना है उस समय तक तो तीर्थंकर भी नहीं छोड़ पाते। ऐसे तुम्हारा भी बनाव बना रहेगा, सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो भी बनाव बना रहेगा, उसे तुम क्या छोड़ोगे? सुना, सम्यक दृष्टि को छोड़ने की आकुलता नहीं होती, छूटा हुआ अनुभव करते हैं। यह है वस्तु का विचार। कई लोग हमसे कहते, पंडित जी आपको टेंशन नहीं होती? उनका है कि इतने भाई लोग आपसे जुड़ते हैं, इतने बहनें जुड़ती है, इतने लोग हो गए हैं, इतने को आप सुनाते हो, इतने को ऐसा ऐसा करते हो, और पूरे देश में घूम रहे हो, इतना ऐसा कर, मेरे माथे कोई भार ही नहीं है। क्या कहीं है? दो प्रवचन करना है, इसके बाद हम अपने बस तुम अपना आइटम जाना, सामने आओगे मोटिवेट कर देंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी, नहीं करो मत करो, करो सो ठीक, नहीं करो सो ठीक, हम तो हमेशा ही मजे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि छोड़ना थोड़ी है, छूटा ही दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो साहब 96,000 रानियों में कितना जकड़ाई गई होगी, कितना जकड़ा गया होगा वो? कछु नहीं, कुछ नहीं, मस्त। उसे छोड़ने की भी आकुलता नहीं है, उसे पता है ये उदयाधीन है। बिल्कुल यूं समझो, स्त्री पुत्र व्यापार धंधा पुण्य पाप की सामग्री, ये इंद्र जालवत। जैसे मेघ बहुत सारे छा जाए तो तुम्हें ऐसा लगता है कब छोड़ें, इन्हें कब छोड़ूं? तुम क्या होते छोड़ने वाले, ये तो छूटे ही हुए हैं, ऐसे समझो बिल्कुल। अब बोलो सम्यक दृष्टि को कैसे निराकुलता नहीं होगी? बोलो, न छोड़ने की आकुलता, न जोड़ने की आकुलता। इतना सरल जीवन है, इतना सहज जीवन। तो बोलो भाई, ये पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए सम्यक दृष्टि को? तो फिर काय के लिए पूजा करता है पंडित जी सम्यक दृष्टि? सुनोगे असली बात? सुना तो चुके हैं सब, आपको भूल जाते हो, इसलिए फिर कह देता हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना। सम्यक दृष्टि को 1% भी पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम से स्त्री पुत्र व्यापार साता वेदनी पुण्य सामग्री की बिल्कुल भी इतनी सी भी लगार मात्र भी भावना नहीं होती, क्योंकि वो तो सवाल ही नहीं है, ये जानता है ना वो, तो फिर काहे के लिए करता है? सुना, इसलिए करता है, इंग्लिश में कहूँ तो ओनली ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी समझते ना, ऑब्लिगेशन। प्रभो आपने एक ज्ञायक बताया, तेहु लोक में नाथ अनुपम जता। जी ऑब्लिगेशन, ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन समझते होंगे, यहाँ तो अंग्रेजी में इतनी बातें समझ जाते हैं, कृतज्ञता। आप भीख मांग रहे हो और मैं आपको बता दूं आपकी निधि वो रही, आपके पापा उनके पास रख गए थे वो बसियत 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ की बसियत बांध रख गए, तुम भीख क्यों मांग रहे? जा लिया, और आप गए और ले आए। अब सही बताना मुझे, कब भूलोगे आप? जबकि ये 1 सेकंड का काम था, बस 1 सेकंड में बता दिया तुम करेक्ट एड्रेस। ए भीख मांग रहे हो 100 साल से, तुम्हारी 100 करोड़ की संपत्ति वहाँ रखी है, बजाओ जाओ जाओ जाओ, बोल देना तुम्हारे पिताजी रख गए थे वहाँ, गए बताया, उन्हें फटाफट दे दी, एकदम इजी गोइंग काम हो गया सारा। अब 100 करोड़ के महल में रह रहे, अच्छा अच्छा खा रहे पी रहे, और एक व्यक्ति जो मैं था जिसने ये बताया था, वो एकदम फटे हाल नंगा हाल। बोलो तुम्हें क्या, किसकी याद आएगी? अमिताभ बच्चन की? कौन की याद आएगी? भैया एक भला पुरुष था, ये कोई है ना, कहाँ से अचानक मिल गए, उस दिन नहीं मिलते, हम ट्रेन में चढ़ने वाले थे भी उतरने वाले थे, उसी समय मिले 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में बता के वो तो चले गए, और हमारे को तो 100 करोड़ की संपत्ति मिल गई। अरे भाई, अब बोलो वो एक क्षण कैसा याद रहेगा जिसका नाम पूजा है? पूजा इसके लिए नहीं कर रहे कि 1 करोड़ और मिल जाए, क्यों ध्रुवी? फिर हमें ढूंढोगे फिर से? पंडित जी आप किसे मिल जाओ तो जरूरत तो आपको पकड़ के रख लेंगे कि आपने 100 करोड़ दिलवाए थे, बहुत कम पड़ता है 100 करोड़। क्या करोगे बोलो? आप नहीं पकड़ोगे कुछ? अरे आपने उसी दिन निहाल कर दिया प्रभु, ऐसे निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी मांगो बंद ना सदो, उसके लिए गुरुदेव तुमको बंद ना। ऐसे समझा, अरे तुम ऐसे पढ़ते हो ना, चढ़ना नहीं, पूजा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, बहु भारी पड़ से है ढोर ढोर कह रहे हैं। इधर देख निहार हो जाएगा, इधर देख निहार हो जाएगा। स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, समय हो गया, एक दृष्टांत दे दे, देना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, जाना हो तो चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हारा फोटो कहीं लगाया जाए, कहीं लगाया जाए, राष्ट्रपति अवार्ड वाला, राष्ट्रपति अवार्ड दे रही, वो वाला फोटो तुम्हारा कहीं लगाया जाए, बस्त्रापुर में, अहमदाबाद में कहीं, बोलो तुम जब भी वहां से पास निकलो होगे तो कैसे, कहाँ देखोगे, नहीं देखोगे ना, काय के लिए देखोगे, काय के लिए देखोगे। और उस पर लिखा है वर्ल्ड का फर्स्ट बॉय और फोटो, अब और कोई देखे नहीं देखे उसको तो कोई मतलब नहीं, और लोगों को क्या लेना देना, बोले और लोग क्या देखेंगे, बोल गारंटी सब देखेंगे है, कोई गारंटी, लेकिन तुम निकलो वहां से तो समझ में आ रहा है कुछ, और जैसे तुम वहां देखोगे मिलना तो कुछ नहीं, नया नया कुछ नहीं मिलना, लेकिन देखे भी ना मन नहीं लगता। ऐसे ही जब मैं भगवान बनूंगा तो ऐसी ही प्रतिमा मेरी होगी, यही मेरा रूप है, यही रूप मुझको मुझे आज भाया, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा वे, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। कितनी भक्ति है देखो, अब जरा ढूंढ के देखा, लेकिन दिक्कत है इधर दृष्टि नहीं जाती तो चलो भैया समझ आया, इसे पाने वाले के चार अनियोग चुस्त होते हैं। और सियाद बात में से उल्टा नहीं पकड़ना हो, सियाद बात को नहीं समझ के चारों अनियोग में शिथिल होता है। ओम नमः शिवाय, विचार